अडानी ग्रुप में जिस तरह स्टॉक्स की पिटाई हो रही है उसे देखकर लग रहा है कि ये पिटाई अभी थमने वाली नहीं है। बजट के बाद उम्मीद थी कि शायद शेयर बाजार में तेजी आएगी, लेकिन अडानी की कहानी ने बाजार में एक ऐसा माहौल बना दिया कि हर तरफ अडानी के शेयरों की पिटाई हो रही है। देर रात अडानी ग्रुप के प्रमोटर गौतम अडानी ने अपने FPO को वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद लग गया था कि बाजार खुलते ही अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में सर्किट पे सर्किट लगेगा। Yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many, but considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust. Our EBITDA levels and cash flows have been very strong, and we have an impeccable track record of fulfilling our debt obligations. उधर RBI ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि किस बैंक का अडानी ग्रुप की कंपनियों में कितना एक्सपोजर है। अडानी के FPO वापस लेने के ऐलान के बाद बाजार में सेंटीमेंट्स बुरी तरह खराब हो गए हैं। बैंक निफ्टी भी दबाव में है। कल क्रेडिट स्विस की बॉन्ड की वैल्यू जीरो करने के बाद बाजार में बुरी तरह गिरावट आ गई थी। अब लग रहा है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आई कमजोरी की वजह से निफ्टी और नेक्स्ट निफ्टी के स्टॉक्स दबाव में ही रहेंगे। बाजार के जानकारों का कहना है कि अडानी ग्रुप को अब डीलेवरेज करना होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से कंफ्यूजन है अडानी के स्टॉक के ऊपर, थोड़ा सा दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब तक क्लैरिटी इन्वेस्ट नहीं होती है पूरे ग्रुप पे, जो डेट की का लेवल है या फिर मार्केट आश्वस्त नहीं होता है, क्योंकि 2 लाख करोड़ के ऊपर का डेट है कंपनी में और इनके केपेक्स काफी बड़े लाइंड अप है, तकरीबन 7,500 करोड़ के केपेक्स लाइंड अप है। इस तरह की फंडिंग कहाँ से आएगी, कैसे होगी, और ये सारी चीजों पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और ये क्लैरिटी जब तक मार्केट में बस नहीं होती, मुझे लगता है कि थोड़ा दूर रखें। केवल कुछ स्टॉक्स हैं अडानी ग्रुप में जहां पर की थोड़ी बॉटम फिशिंग की जा सकती है, बट दैट टू ऑन अ वेरी स्मॉल पोजीशंस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत उन रिटेल निवेशकों के लिए है जिन्होंने हाई वैल्यूएशन पर अडानी के स्टॉक्स लिए थे। अडानी ग्रुप के कई स्टॉक्स तो 52 हफ्तों के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि रिटेल निवेशक क्या करें। हालांकि बाजार के जानकार अभी अडानी स्टॉक से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।